अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के तत्वावधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्म उत्सव समारोह डॉक्टर अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर संघ की ओर से सुबह बुद्ध वंदना से जन्म उत्सव आगाज हुआ। तदुपरांत बाबा साहेब के अनुयायियों ने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण का सिलसिला चलता रहा। सुबह से ही पार्क में हजारों की संख्या में उनके अनुयायियों ने प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। दोपहर में शुरू हुई सभा में मुख्य वक्ता NSCB महाविद्यालय लखनऊ की जंतु विज्ञान की विभागीय अध्यक्षा डॉक्टर पुष्पा यादव ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं विचार हैं, हमें मिलकर अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा। शिक्षा समाज के प्रकृति के आयाम खोलती है, सभी मिलकर समाज को शिक्षित करने के लिए आपसी द्वेष भूलकर मिलकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। जी सांसद जी, आज अम्बेडकर जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं शीशराम सिंह रवि, पूर्व सांसद बिजनौर लोकसभा से, मैं 1999 से 2004 तक रहा और मैं 1972 में मैंने अम्बेडकर जयंती की शुरुआत कांठ डिग्री कॉलेज से की थी और उस समय जो है अम्बेडकर जी की जब जयंती की शुरुआत हुई थी तो बहुत छुआछूत और आपस में बड़ा भेदभाव था और मेरे से स्कूल से पैदल जाते थे हम अपने गांव को, तो रास्ते में मुझे कई अपर कास्ट के लोगों ने ये कहा कि अंबेडकर जी जो है वो हमारे जो है वो नहीं थे, वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। परंतु आज अंबेडकर जी की भाषा ने, अंबेडकर जी के ज्ञान ने पूरे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए जो रास्ता दिया है संविधान ने, आज वो जो है दलित पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं का मतलब भगवान बन गए हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी आप बराबरी में आ सकते हैं। आज हमारे समाज के लोगों ने बहुत प्रोग्रेस की है, अनेक प्रकार से बहुत IAS BCS डॉक्टर इंजीनियर हर क्षेत्र में प्रोग्रेस की है, तो बाबा साहब की को हम भगवान के रूप में मानते हैं और आज भगवान के रूप में पूरी दुनिया में यदि नंबर एक के चाहने वाले लोग हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चाहने वाले हैं। कोई दुनिया का ऐसा राष्ट्रपति और ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर अपना भाषण शुरू न करे, तो ऐसे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उनके आदर्शों पर चलने के लिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ।